हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एनचेंटर्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है, यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे स्टूडियो पर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है। एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल नोटिफिकेशन टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों की एनर्जीज का शिफ्ट आज कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। इसको आप टैरो हॉरोस्कोप की तरह भी ले सकते हो कि आज का जो ओवरऑल डे है आपके लिए कैसा रहेगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हो, सिक्स ऑफ माइकल, द मून एंड एट ऑफ गैब्रियल। तो यहाँ पर आप हो सकता है बहुत टाइम से एक तरह से एक ट्रबलसम सिचुएशंस में बने हुए थे। ये आपके करियर फ्रंट को लेकर हो सकता है, फैमिली लाइफ में किसी भी वजह को लेकर हो सकता है, एंड एज वेल एज अगर ये रिलेशनशिप फ्रंट की बात है तो हो सकता है वहाँ पर भी कुछ टाइम से आपके रिलेशनशिप पर भी किसी तरह का कोई बर्डन बना हुआ था। तो यहाँ से आप इवेंचुअली रिलीज होने वाले हो गाइस, और आज की एनर्जी का शिफ्ट आपको उसी डायरेक्शन में पुश करेगा कि आप एक बहुत ही ट्रबलसम सिचुएशन से एक पीसफुल सिचुएशन की तरफ, एक काम सिचुएशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिक्स ऑफ माइकल की एनर्जीज ये कहती है आपसे, इट्स द लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, ब्रीद अ साई ऑफ रिलीफ एंड मेक न्यू प्लान्स, रिलोकेशन और ट्रैवल। तो इसका मतलब यही है कि काफ़ी टाइम से अगर आप एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में अपने आप को महसूस कर रहे थे, जैसे कि मैंने कहा फैमिली लाइफ को लेकर हो सकता है, करियर फ्रंट को लेकर हो सकता है, रिलेशनशिप, फाइनेंशियल फ्रंट, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, तो आपसे आपके आर्क एंजल माइकल ये कहना चाहते हैं कि देर इज़ अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। यानी कि जैसे जैसे आपने एक साइकिल फेस किया है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक तरह से कठिनाइयाँ उठा चुके हो, तो एट द एंड आपके साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। बहुत सारे एक हार्डशिप के बाद फाइनल जो भी आपको एक रिवॉर्ड मिलता है, जो रिजल्ट या आउटकम मिलता है, वो आपके लिए हमेशा दी बेस्ट होता है, अच्छा होता है। तो कभी कभी हमें प्रॉब्लम से डरना नहीं चाहिए गाइस। प्रॉब्लम्स भी हमें इसीलिए दी जाती हैं ताकि हम उन सारे प्रॉब्लम से लड़कर एक विक्टोरियस पर्सन की तरह इवेंचुअली शाइन कर सकें, और क्योंकि हमारे लिए कुछ बेटर होता है, कुछ सही डायरेक्शन हमारे लिए चूज़ की जा चुकी होती है बाय द यूनिवर्स। तो अगर हमें हमारे किसी और राह पर, पाथ पर कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रहे हैं या फिर कुछ कठिनाइयाँ शो हो रही हैं, तो समझ लीजिएगा कि आइदर जो डायरेक्शन हमने चूज़ की थी वो डायरेक्शन गलत थी, इसलिए हमारे साथ डिफ़िकल्टीज़ बनी हुई हैं। और जैसे ही आप अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हो या फिर अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हो, अपना एफर्ट चेंज करते हो, तब चीज़ें आपके साथ रिजॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। कभी कभी कॉम्प्रोमाइजिंग इज़ अ गुड थिंग गाइस। अगर बहुत ज़िद पर हम अड़े हुए हैं किसी बात को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर, तो ये भी हमें नहीं करना चाहिए, गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर आपकी ऐसी कोई ज़िद थी जो कि हो सकता है कोलैप्स्ड हो गई है, या फिर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग अगर नहीं चल रही थी, तो आपको वो एक जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो पर्सपेक्टिव है, वो बदलना पड़ेगा। यहाँ पर द मून वाली एनर्जीज है, द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर प्लान्स, लिसन टू योर इंट्यूशंस फॉर अक्यूरेट गाइडेंस, फेस योर फियर्स एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर। इसका मतलब यही है कि अगर आपके पास दो रास्ते थे, दो ऑप्शंस थे, और आपने ऐसा रास्ता खुद के लिए चूज़ किया था जहाँ पर बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं थी, या फिर एक कहते हैं ना सेफर साइड आपने देखा था, और आपके कुछ फियर्स रहे होंगे, और उन फियर से बचने के लिए आपने कोई बीच का रास्ता या फिर शॉर्टकट अगर चुना था, तो शायद यूनिवर्स को वो मंजूर नहीं है। यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहता है कि इन सारे फियर्स को फेस कर लीजिए, इन सारे ऑब्स्टिकल्स को कॉन्कर कर लीजिए, क्योंकि जो रास्ता यूनिवर्स ने आपके लिए चुना है वो दी बेस्ट है, वो दी अल्टीमेट है। वहाँ पर आपकी जो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग अवेटेड या फिर ऐसी डिज़ायर जिसको आप एक्चुअल में डिज़र्व करते हो, यूनिवर्स को हमसे बेटर पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है।
तो शायद अगर आपने इस वजह से खुद को बचाने के लिए अपनी किसी फियर्स की वजह से कोई गलत रास्ता चूज कर लिया था, तो नाउ दिस इज द टाइम गाइस जहां पर आपको रास्ते बदलने होंगे, एफर्ट्स चेंज करने होंगे, पर्सपेक्टिव्स बदलने होंगे, डिसीजंस बदलने होंगे, तब जाकर आप लोगों की लाइफ में वो एक पॉजिटिविटी अट्रैक्ट हो सकेगी। अब तक आप कुछ नेगेटिव कर रहे थे, दैट्स वाई ऐसी सिचुएशंस में आप बने हुए थे, और आपके आर्क एंजल माइकल आपसे ये कहना चाहते हैं कि जस्ट ट्रस्ट द प्रोसेस, यू नो, यूनिवर्स का जो भी प्रोसेस है उस पर भरोसा रखिए, आपकी जो मंजिल है आपको जरूर मिलेगी, बस आपको अपना डिसीजन बदलना है, अपनी डायरेक्शन बदलनी है, तब जाकर आपको आपकी मंजिल मिलेगी, वो रोशनी जिसका आप इंतजार कर रहे थे वो रोशनी आपको मिलेगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पर फाइनली एड ऑफ गैब्रियल की एनर्जीज अपीयर हुई हैं। अ ग्रेट डील ऑफ एक्टिविटी, सडन एंड इमीडिएट रिजल्ट्स, इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर आप लोग एक बहुत ही ब्यूटीफुल सडन शिफ्ट की तरफ बढ़ रहे हो, मतलब आज का जो दिन है आपके लिए ऐसी एनर्जी लेकर आया है जहां पर बहुत सारी चीजें सडनली चेंज हो जाएंगी, और अब तक भी अगर एक ट्रबल टाइम चल रहा था तो यूनिवर्स आपको उसी डायरेक्शन की तरफ लेकर जा रहा है कि अभी वो सारी मुसीबतें, सारी डिफिकल्टीज खत्म हो गई हैं, अब एक नया दिन आपके लिए आया है, और ये दिन आपके लिए बहुत सारे ब्यूटिफुल सरप्राइजेस लेकर आया है, कुछ आपकी लाइफ में बहुत ही ब्यूटिफुली शिफ्ट हो रहा है यहाँ पर। तो ये आपके आर्क एंजल गैब्रियल आपके लिए गुड न्यूज लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे चेंजेस अनएक्सपेक्टेड हो सकते हैं, बहुत कुछ यहाँ पर एक तरह से सडनली शिफ्ट हो रहा है, चेंज हो रहा है, और जिसके चलते आप हो सकता है अपने सही डायरेक्शन पर प्रोसीड कर सकोगे कि जहाँ पर आपको एक्चुअल में चलना है। फाइन, हम हमारे कम्फर्ट जोन के चलते भी कुछ गलत डायरेक्शंस चूज कर लेते हैं गाइस, तो शायद आपके आर्क एंजल्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि कंफर्ट जोन मत चुनिए। अगर रिस्क टेकिंग की बात है या फिर कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां पर आपको आपके कंफर्ट जोन से निकलकर कुछ करना पड़ सकता है तो कीजिएगा। इन सारी चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है, अननोन फियर से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यू गाइज आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, डिवाइनली गाइडेड, तो आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। बस फियर्स की वजह से अगर आपने खुद को बांध कर रखा है, रोक कर रखा है, तो ये नहीं करना है आपने। फाइन, तो इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। जैसे कि आप देख सकते हो, जजमेंट, फोर ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन एंड टेन ऑफ कप्स। तो ज़रूर यहाँ पर एक सिचुएशन ऐसी रही होगी कि आपने किसी सिचुएशन पर बहुत ज़्यादा काफ़ी टाइम से होल्ड करके रखा था, आप चाहते थे कि यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स प्रोसीड हों, लेकिन वैसे रिजल्ट्स नहीं आए। फाइन, तो अब आपको क्या करना चाहिए? यू गाइज आर बीइंग द मैजिशियन हियर, तो आपको अपना रास्ता बदल देना चाहिए, या फिर वो जो एफर्ट है, एफर्ट बदल देना चाहिए, या फिर जहां पर आपने खुद को रोक कर रखा था, किसी एक्शन को होल्ड करके रखा था, तो वो एक्शन आपको अभी ले लेना चाहिए। भले ही आपके करियर फ्रंट पर हो, लव लाइफ में हो, या फिर एनी अदर एरिया ऑफ योर लाइफ, जहां पर भी आपने एक ही तरह की जो सिचुएशन बनाकर रखी थी, अब वो सिचुएशन डिमांड कर रही है कि यहाँ पर एक चेंज चाहिए हमें, तो वो चेंज आपने लाना है, वो एक्शन आपने लेना है, तब जाकर चीज़ें आपके डिज़ायर के हिसाब से यहाँ पर प्रोसीड होंगी गाइस। और जो अदर कार्ड्स हैं यहाँ पर, पेज ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट, ये जो एनर्जीज हैं यही कहती हैं आपसे कि जो क्यूरियोसिटी है आपके अंदर कुछ समझने की, कुछ जानने की, कुछ पता करने की, ये क्यूरियोसिटी काम नहीं आएगी। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ इंट्यूशन की सुनना है। अगर आपके सामने दो डायरेक्शंस हैं और आपको लोग अगर भटका रहे हैं, मान लो अगर फैमिली एंड फ्रेंड्स आपको जो भी रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और तरह तरह की आपको हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ या प्रोबेबिलिटीज शो कर रहे होंगे, तो आपको उनकी नहीं सुनना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने दिल की सुनना है, क्योंकि इवेंचुअली आपका जो दिल है वो जानता है कि आपके हाईएस्ट गुड के लिए क्या सही है, और इसी वेज में आपको एक डिसीजन लेना पड़ सकता है गाइस, जो डिसीजन आपको आपके हाईएस्ट गुड की तरफ लेकर बढ़ सकता है। मान लो अगर आपके करियर फ्रंट पर दो चॉइसेस आपको दिए गए हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मुझे करना चाहिए, तो जस्ट लिसन टू योर फर्स्ट इंट्यूशन कि अगर आपका दिल एक डायरेक्शन की तरफ या फिर एक ऑप्शन की तरफ बढ़ रहा है, तो जस्ट पिक दैट ऑप्शन। फाइन, और आप ऐसे लोगों से मदद ले सकते हो करियर फ्रंट पर जो सच में आपके वेल विशर हैं,
जो सच में चाहते हैं आपको कामयाब होता हुआ देखना, आपकी सच में जो भी मदद करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से आप मदद ले सकते हो। इवन आप अपनी इंट्यूशन से पूछ सकते हो कि मेरे लिए कौन ऐसे पर्सन हैं जो मेरी सच में मदद कर सकते हैं या फिर सही मायनों में मेरे वेलविशर हैं। तो आपको जो भी आंसर मिलता है उनसे आप एडवाइस लीजिए, उनसे आप गाइडेंस लीजिए, जहाँ पर भी आप स्टक हो। क्योंकि यहाँ पर मैं दो तरह की सिचुएशंस देख रही हूँ और मैंने आपको बताया कि अगर दो ऑप्शंस हैं और आपने खुद को जानबूझकर किन्हीं ऐसी सिचुएशन में स्टक करवा के रखा हुआ है, तो नाउ दिस इज द टाइम कि आपको अपने मन की सुनना है और वो एक्शन जो आपने होल्ड करके रखा है वो एक्शन आपने लेना है। क्योंकि इवेंचुअली यहाँ पर चैरियट आप हो गाइस, कोई एक ऐसा एरिया होगा आपके लाइफ का जो एक अर्जेंट अटेंशन चाहता है अभी, और शायद आप काफ़ी टाइम से उस चीज़ को इग्नोर करते आ रहे हो और आपके लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही थी। तो आज का ये जो शिफ्ट है आपसे यही कहना चाहता है कि जस्ट टेक सम टाइम और अपने आप को एक लोन टाइम में ले जाकर चीज़ों को रीएनालाइज कीजिए, समझिए कि आपको एग्जैक्टली इस टाइम फ्रेम में क्या करना चाहिए और कैसे आप इस सिचुएशन को टर्न कर सकते हो। अगर आपको कुछ टाइम ब्रेक लेना पड़े, रिलोकेट होना पड़े, ट्रैवल करना पड़े, जस्ट डू दैट। क्योंकि सिक्स ऑफ माइकल की एनर्जीज हमने देखी थी, तो अगर आप रिलोकेट होना चाहते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे कहाँ जाना है, तो यस आपके पास जो भी दो ऑप्शंस हैं उसमें से ऐसा ऑप्शन चूज कीजिए जहाँ पर आपका एक पक्का इंट्यूशन बैठ रहा हो, यू नो, एक गट फीलिंग हम जिसको कहते हैं, और आपको 100% यकीन हो कि ये जो रास्ता है मेरे लिए परफेक्ट रहेगा। भले ही यहाँ पर मुश्किलें बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन ये जो रास्ता है यही मेरे लिए सही है, फाइन, तो ये आपने करना है। तो फाइनली वेयर इट इज प्रोसीडिंग, 3 of Swords, 2 of Pentacles, द लवर्स, 9 of Pentacles, 8 of Swords। तो यहाँ पर ज़रूर इट टॉक्स अबाउट द प्रायोरिटीज़, और आप जिस भी डायरेक्शन को चूज करोगे, एक जो ऑप्शन है या फिर एक जो सिचुएशन है वो कम्प्लीटली आपने छोड़ देना पड़ेगा, जिसकी वजह से हो सकता है उस पर्सन के साथ आपकी एक सेपरेशन हो सकती है या फिर उस पर्सन का दिल भी टूट सकता है। यहाँ पर मान लो दो लोग हैं, तो एक पर्सन को छोड़कर आप दूसरे पर्सन को चुन रहे हो, तो ये जो पर्सन है, जो नंबर वन पर्सन है, इनका दिल टूट सकता है। लेकिन आपको जगल नहीं करना है यहाँ पर, आपको अपने दिल की सुननी है। क्योंकि किसी को होल्ड करके उन्हें बस एक फाल्स होप देने से अच्छा है उनको रिलीज किया जाए। अगर मतलब जल्दी में ही उनका दिल तोड़ रहे हो आप, ठीक रहता है, क्योंकि आगे चलकर आप उन पर एक तरह से उनको उम्मीद दे रहे हो, उनके लिए कमिटमेंट रख रहे हो, और फिर किसी वजह से अगर आप वो कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाए, तो उस वक्त जो दिल टूटेगा वो ज़्यादा पेन देगा, या फिर जल्दी में ही अगर आप किसी से कह रहे हो, मना कर रहे हो, तो ये चीज़ सही रहेगी या वो चीज़ सही रहेगी? ऑफ कोर्स यहाँ पर अगर आप किसी पर्सन को मना करना चाहते हो, लेकिन जस्ट ये सोचकर मना नहीं कर पा रहे हो कि पता नहीं उस पर्सन को कैसा फील होगा, तो इन सारी चीज़ों में खुद को स्टक करके मत रखिए। जो एक्शन आपने अभी लेना है ले लीजिए, जो आगे के लिए आपका रास्ता होगा वो वहाँ पर यूनिवर्स और आपके आर्क एंजल्स आपको गाइड करेंगे। तो एक सिचुएशन को आपने यहाँ पर ज़रूर एंड करना है गाइस, टू प्रोसीड विथ अनदर सिचुएशन। भले ही वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा टायरिंग होगी, डिफ़िकल्ट होगी, लेकिन याद रखना वहाँ पर आपके लिए एट द एंड वो रोशनी ज़रूर मिलेगी, वो सक्सेस ज़रूर मिलेगी, जहाँ पर अभी आप शायद चलने से डर रहे हो और किसी सिचुएशन को एंड करने से डर रहे हो। तो जो भी सिचुएशन एक एंडिंग चाहती है, वहाँ पर आपको एंडिंग लानी है, और जहाँ पर भी आपने आगे बढ़ना है, भले ही वो रास्ता कितना ही क्यों ना डिफ़िकल्ट हो, आप एक लीप ऑफ फेथ लेकर वहाँ पर आगे बढ़ जाइएगा गाइस। तो यही था आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए, और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में आपके पर्सन के और आपके एनर्जी शिफ्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरे दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।